ये सारा जी मॉन्ट्रियल क्या है, चाइना टाउन। पूरी चेकआउट कर लिया है, सामान गाड़ी में रख दिया है, कार्ड्स वापस कर दिए हैं उनको। हमने बोला कि हम जरा आ रहे हैं, गाड़ी अभी उठा के निकलते हैं। तो यहाँ चाइना टाउन है, वहाँ जा रहे हैं। तो मैनेजर ने बताया कि यहाँ के डम्पलिंग्स आप ट्राई करना, काफ़ी फेमस है। तो देखते हैं कौन से डम्पलिंग्स हैं। वो सारा उधर चाइना टाउन है ये वाला। बबल टी वगैरह वहाँ काफ़ी यहाँ पे फेमस है, मोमोज, डम्पलिंग्स, पोक, चिकन। ये देख बबल टी, पूरी शॉप ही बबल टी की, बेकरी टाइप। फ्रेंच में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, पोक डम्पलिंग्स, चिकन कोरिएंडर, फिश कोरिएंडर। तो जी ये मंगाया वॉन्टन सूप, ट्राई करते हैं कैसा है मामला। बेसिक जैसा होता है वो, जिसको होना चाहिए। बढ़िया, ये दूसरी आइटम है शैलेट पैनकेक, चाइनीज पराठा ही बोल दो, सॉस सॉस ही दिए सारे। तो जी लास्ट आइटम चिकन कोरिएंडर डंपलिंग, दो तीन पीस बढ़ा लेता हूँ, साथ में वही चटनी और एक सोया सॉस दी है। मुझे रज के गर्म लग रहे हैं मेरे। जूसी फ्रेश, इससे फ्रेश डम्पलिंग मैंने आज तक नहीं खाए होंगे, मतलब कि अभी बनाए हैं, अभी स्टीम के और अभी दे दिया। ये तो मोस्टली लोगों में वो होते हैं, फ्रोजन होते हैं, ठीक है। तो जो टोटल बिल बना है यहाँ का वो तकरीबन $25 बना है, जो कि रीज़नेबल है बहुत, क्योंकि हम चाइना टाउन में इससे सस्ता है। तो देखते हैं और कुछ क्या देखने वाला है यहाँ पर। चार टाइम बबल टी भी काफ़ी फेमस है आपकी। चाइना का वो लोगो कौन सा, फ्रेंच हुई का लोगो, वो एस करके बन रहा होता है यार, वो जिसमें बीच में दो डॉट्स होते हैं वो पहन दो। क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो? माला से लिए। ओके, डेबिट डेबिट चलेगा। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, बफे भी है, इधर बबल टी मिल रही है, उसके साथ में रेस्टोरेंट है, उसके साथ में जो हमने खाया वो है, ये कोने पे KFC टाइप फ्राइड चिकन मिल रहा है। हाँ जी भैया, क्या लेके आए हो? चेन, चेन तो नहीं है, थोड़ी माला टाइप। माला टाइप कितने की मिली? $8 सही है। अब देवांश गया जी इधर चुंगचंद में, ये फ्राइड हॉट डॉग दे रहे हैं। लाइक हॉट डॉग के ऊपर एक लेयर होती है राइस की, राइस हॉट डॉग। बंदा भी खड़ा है रीजनल के लिए इनका बाहर। अब देवांश गया लेने, देखते हैं क्या लेके आता है। और छोटा सा वो देखो, लाइक फाउंटेन तो नहीं कहूँगा, ड्रिजल हो रहा है पानी। मैं भी वही देख रहा हूँ क्या है। स्पेस
ये सारा जी मॉन्ट्रियल क्या है, चाइना टाउन। अब ये वाला इंटरसेक्शन है रू क्लार्क है, रू मीन्स यहाँ पे स्ट्रीट या रोड को बोलते हैं, और बाकी दूसरा नाम सॉरी मैं ले नहीं पाऊँगा, आप देख ही लो। ये थोड़ा थोड़ा शिमला की मॉल रोड जैसा लग रहा है या मैकलोडगंज जैसा। हेलो जी, देवांश भाई ले आए हैं राइस हॉट डॉग, और ये ज़रा चेक करो आप ये क्या है, इसको खाना कैसे है, और पेट में जगह भी नहीं बची इतनी तो, पर ये अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा क्या है भाई, देवांश बता दो क्या है। राइस हॉट डॉग। राइस हॉट डॉग ऊपर क्या है इसके, क्या लगा हुआ। ये है अपना ब्रेड क्रम्स लग रहे हैं, है ना। नहीं, ये चिकन है। चिकन है, चिकन है, फ्राइड चिकन है, उसके ऊपर सॉस है, उसके ऊपर और सीजनिंग, सीजनिंग है, और अंदर हॉट डॉग और स्टिक पे है, ज़बरदस्त लग रहा है, बढ़िया। लो जी, लंबी सांस भर के मैं इसको ट्राई कर ही लेता हूँ। हॉट डॉग ब्रेड क्रम्स है, चिकन नहीं है। सही है। अच्छा चिकन हॉट डॉग होगा। हावी शंकी कैसा है, देखने में तो है ही अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है, पर हैवी लग रहा है, हम ऑलरेडी खा चुके हैं ना। देवांश खा लेंगे। ये वाले जो रेस्टोरेंट से हमने डंपलिंग्स खाए और काफ़ी अच्छे थे, जब भी यहाँ आओ यहाँ से डंपलिंग्स जरूर ट्राई करना। कोई पोक खाता तो पोक वाले भी हैं, बीफ वाले भी हैं, और हमने चिकन कोरिएंडर खाए थे। रेस्टोरेंट ओ डंपलिंग्स। जी सेंट जोसेफ ऑर्टरी, और हमने जाना है ऊपर, वो खड़ी शटल ऊपर, हम घूमा या पार्किंग तो मिली नहीं, अब शटल में जा रहे हैं ऊपर। ये शटल बस का स्केड्यूल है डेली 8 AM to 9 PM, और ये चर्च डेली खुला होता है, कोई छुट्टी नहीं होती इसकी। और इसका जो पूरा नाम है वो है सेंट जोसेफ ऑर्टरी ऑफ माउंट रॉयल, इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और देवांश और मैं शटल बस की वेट कर रहे हैं, शैंकी पहली वाली में निकल गया, ऊपर वेट कर रहा होगा, ऊपर भी लाइनअप है, हम ऊपर से घूम के आए, ऊपर पार्किंग फुल थी इसलिए हमने यहाँ पे लगाई है, और वैसे $5 है, पर आज संडे आई थिंक सो पार्किंग फ्री है। आ गई जी शटल, चलो जी, चलो देवांश, लेट्स गो ब्रो। एंटर हो गए अंदर माउंट रॉयल सेंट जोसेफ ऑर्टरी, कुछ सेक्शन इसके बंद हैं, कुछ खुले हुए हैं, अब देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। वॉशरूम्स अवेलेबल है, छोटी सी कैंटीन भी है अंदर, फूड कोर्ट टाइप। ये अंदर से इसकी पिक्चर है, ये अंदर जैसे हर जगह की तरह गिफ्ट शॉप, ये शॉपिंग करने घुस जाते हैं, माला वाला लेने। हुआ क्या, हम अंदर गए लाइन में, लगा हुआ शंकी, उन्होंने उसको ज्वाइन किया आके,
अंदर गए, पर जिस टेरेस पे हमने जाना था उसका एक्सेस अंदर से बंद है, और उसका एक्सेस ये लाइनअप जहाँ से मतलब ख़त्म हो रहा है उसके साथ नीचे स्टेयर्स जा रही है वहाँ पे है, वहाँ चलते हैं। बहुत बड़ा चर्च है, 1967 में कंप्लीट हुआ था और मॉन्ट्रियल के सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग में से। और मैंने ये भी पढ़ा गूगल पे कि इसने जब मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, इसने मॉन्ट्रियल के जो काफ़ी लॉज थे, जो बिल्डिंग्स के लॉज होते हैं उसको वायलेट किया था, पर स्टिल ये कोई मनाही नहीं हुई बनाने में। अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। चल इसके लिए हम 20-25 मिनट से इधर उधर घूम रहे हैं, बिकॉज प्रॉपरली साइन या कोई भी वॉलंटियर नहीं खड़े करे जिनसे पूछ लो। और आधी प्रॉब्लम होती है फ्रेंच, हमें फ्रेंच नहीं आती, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। ये चेक करो जी, ये व्यू है, पूरा मॉन्ट्रियल देख सकते हो आप यहाँ से। मॉन्ट्रियल छोड़ो, आसपास की सिटीज भी देख सकते हो। जा रहे हैं वहाँ से गाड़ी उठा के सीधा घर। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कोशिश करी है, किसी काम से आए थे, पर स्टिल मेरे को लगा कि जो जो हम कर रहे हैं वो मुझे एक्सपीरियंस करके आपको भी शो करना चाहिए। तो स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग एक्सप्लोरिंग अनलिमिटेड। एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी, हो रहा है, और फिर हम जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके पास लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।